स्वागत करता हूँ मेरा होम सेकंड टाइम। इसको 30 मिनट तक इस तरह रखना पड़ेगा हाथ। लैपटॉप भी अब वो भी देखा जाएगा यहाँ पे। तो भाई मतलब तुम सब मस्त सेटअप कर दिया छत पे आज। कुछ नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? मेरा मन। तो भाई मम्मी का एक कम्प्लेन था जो कि मैं आपसे बात करना चाहता था। तो सोचा कि आपको मैं बताऊं जो मुझे बुरा लगा जान के। मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं गरीब रथ पे सवार हो गया था और मैं अब आ गया हूं अपने जो गांव की तरफ प्रस्थान कर रहा हूं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूं, अभी चल रहा है श्रावण का महीना, अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, कल ख़त्म हो जाए, आज या कल ख़त्म हो जाएगा। बट फिर भी अभी काफ़ी कांवड़िया लोग जा रहे थे उधर से, ये फेमस है, यहाँ चलती है सुल्तानगंज से देवघर के लिए चलती है इस कांवड़िया पथ। तो मैं आपको बाकी ये चीज़ें आपको घर पे जाकर दिखाऊंगा एक्स्ट्रा चीज़ें, क्योंकि मेरे घर के आसपास से भी पास होती है कुछ ये कांवड़िया जा रही है। अभी आपके सामने जो दिख रहा है अभी अकील, हालांकि अभी बहुत कम हो गया है, काफ़ी जाते हैं कांवड़िया, अभी तो थोड़ा बहुत कम हो गया है। जहाँ से मैं घर जा रहा हूँ उस पर मैं बैठ के स्वागत करता हूँ मेरा होम सेकंड टाइम। स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है मेरा होम फर्स्ट टाइम। पहली बार जा रही चिड़िया घर मेरे, लेकिन नाश्ते जा चुकी है, इसका दूसरा बार होगा। तो भाई वेलकम टू नाश्ते माय होम, स्वागत करता हूँ मेरे होम में। मेरे होम वेलकम टू चिड़िया एंड माय होम स्लीप लाइक अ तबिया होम द। हाँ हाँ अच्छा, औरंगाबाद से लड़का आ गया था। माता खराब कर रखा है, सुन रहे हो ना भाई मेरी बात, ये बिहाइंड द सीन बना रहा था मैं अभी, रुको इसके बारे में मुझे बात करना है आपसे। तो भाई साहब उस समय हम लोग घर पे आ गए थे और घर पे बैठे हुए थे, मैं तो सो गया था 3-4 घंटों के लिए, अभी सो के उठा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे बहुत लेट ही पहुँचा था कि ट्रेन लेट थी, तो 11:30 पहुँचा घर, पहुँचते भी 1 बज गए, सोते 2:30 बज गए थे और अभी उठा हूँ सो के। तो कल एक्चुअली क्या है काजल, राखी है कल, तो ये मेहंदी लगवा रही है जुड़िया, ये लगा इसका मेहंदी देखने में काफी शानदार लग रहा है, और एक हाथ में और लगाई जा रही है, फिर नास्तिया लगाएगी, नास्तिया यहाँ पे सोई हुई है। यू पुट टू द दाव तक शुदा था बोल रही है, पैर में लगाऊंगा, हाथ में लगाएगी, हर जगह लगाएगी। और ये रवि कुछ बोला करेगा, ये मेरा, अरे तुम सुन लो ना साला, हर खाना है बोलो। ये रवि कजिन है मेरा, कुछ बोलो रवि। कुछ नहीं बोलना है हमको। क्यों नहीं बोलना है? मेरा मन। इसको हम हमेशा चढ़ाते हैं कि अफ्रीका से आया है, युगांडा के जंगलों से आया है। तुम पता है कहाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? युगांडा। जूलिया हैंड्सअप। ये हो गया भाई जूलिया का मेहंदी। तो भाई पियते से त्रुप ले नहीं देंगे। अब ये लगवा रही है नास्तिया, ये लाइक नास्तिया, आई डोंट सी इट नाउ, नाउ आई कैन सी, ये इसका ठीक लग रहा देखने में। अब इसको 30 मिनट तक इस तरह रखना पड़ेगा हाथ, सूख जाए, सूख जाएगा, डोंट वरी। तो भाई ये नास्तिया भी लगवा रही है मेहंदी, अब एक हाथ में इसने लगा लिया। नास्तिया सो मी योर डेथ हैंड, वेयर इज योर, यू पुट मेहंदी, ओके इसी हाथ में लगाइए, अभी तक नीचे लगवा लिया उसने। अब चलो पूरा लग जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये अपना हाथ ड्राई करने की कोशिश कर रही है। स्कूल का मेहनत मिनिमम 30 मिनट रखना पड़ेगा अराउंड, देसित लियत, ये 10 साल तक रहेगा, डोंट वरी। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? समोसा लाने। तुम क्या छुप के जा रहा है रे बार बार? समोसा लाने जा रहा है एकदम गंजी एकदम, क्या रे फाड़ दें इसको, नहीं फाड़ना है ना, होली में फाड़ेंगे, चलो ठीक है। तो भाई लोगों का मेहंदी लग गया, नास्तिया सोई और मेहंदी, तो हैप्पी इस तरह, हैप्पी बहुत बहुत, अभी ये वीडियो बना रही थी अपने फोन में भी। कैसा बना है मम्मी, कैसा लग रहा है देखने में? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है सच्चे में, मजाक कर रही है? नहीं नहीं अच्छा लग रहा है। कितना पैसा देना होता है मेहंदी का यहाँ पे? पता नहीं हमको मालूम नहीं है, पुलिस कुछ लोग कितना पैसा मिली इस चीज़ का,
एक मेहंदी के 700 की जांच होगी। हम रात नहीं मिले थे इतना पहले। चलो 700 दवाई 700 अब कल राखी है तो ये लाली भी लगवा रही है मेहंदी। काफी शानदार दिख रहा है लाली, मस्त। काजल तो अपना दिखाओ, तुम्हारा भी अच्छा दिख रहा है। जूलिया का हो गया, ये नास्तिया का हो गया, और ये मम्मी कुछ खाना बना रही है। की बना डले से क्या है? क्या है हिलसा? हिलसा क्या होता है? गुड़ का हिलसा। गुड़ का हिलसा कुछ ज्यादा नहीं बना रही। कहाँ जाएगी? जो भी जाएंगे घूमने कन्याकुमारी। तो तुम्हें मम्मी जा रही है कन्याकुमारी? तिरुपति बालाजी। तो घूमने के लिए जा रही है मम्मी कन्याकुमारी वगैरह, इसके लिए प्रिपरेशन कर रही है। मैं सिर्फ 2 दिनों के लिए यहाँ पर आया था, तो मम्मी कुछ खाना पीना बना रही है यहाँ पे। गर्मी नहीं लग रहा है तुमको? हमको हैबिट हो गया। हैबिट हो गया है, चलो ठीक है। अब भाई साहब सारे लोग नोमैड बन रहे हैं, तो इसका भी ये नोमैड है। ये लिखी है नोमैड राइट? नोमैड जूलिया इभिलिया इभिलिया नमस्ते राइट हियर नोमैड नोमैड ओ नियत टर्न 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 क्या कर रही है? मेरे को राखी लगाई जा रही है। सॉरी ये राखी के चक्कर में भी लगा रहा क्यों पछमू? अरे हाँ हम बोल देते हैं, रुको मम्मी बोल रही है वीडियो में डालने के लिए। मम्मी बहुत बार बोल रही है, समझ रहे हो? मतलब बहुत बड़ा इशू है ये, इसको मैं उठा रहा हूँ बिल्कुल एक सेकंड के लिए। भाई आज रात को सोने का जुगाड़ किया जा रहा है इन लोगों के लिए। ठंडी मतलब नीचे बहुत गर्मी है, तो क्यों नहीं छत पे सोया जाए आज? तो मैं थोड़ा झाड़ू लगा देता हूँ, इसके बाद यहीं पर आज बिछावन लगाया जाएगा। यहाँ पे कुछ बिल्ली भाई साहब ने कुछ कर रखा है, इसको झाड़ किया जाए। सॉरी हम लोगों ने था कुछ देखा ही नहीं है। इसको मैं पूरा झाड़ू लगा देता हूँ एंड उसके बाद अभी बिछाएंगे। ये बिछावन लेके आया हूँ मैं। खराशो दबाई अरमाना। तो भाई सोने का कुछ ऐसा जुगाड़ हुआ है, 4 मच्छरदानी लगाया गया है, मीन कुर्सी लाया गया, 1 2 3 4 चारों कुर्सी पे पिला के यहाँ पे सोई हुई है। लुक लाइक जू पार ये दोनों लाइक अंदर बैठी हुई है, सोई हुई है। आई होप यहाँ पे लग रहा होगा, हालांकि इन लोगों का इधर ही मतलब मेक फ्रॉम मी स्लेव वी डोंट ईट 3 days यस you are only beat us and you, keep here you in prison now yeah. ये भी छत का नजारा है आज, लेकिन मौसम शानदार है। अगर ऊपर दिखाया जाए चांद दिख निकला हुआ है आज, मस्त चांद। ये कुछ ऐसा नज़ारा है। आई होप रात को कोई सांप वगैरह नहीं आए यार, यहाँ पे सही से सो जाएं हम। यही धनुष आएंगे, मैं नहीं सोऊंगा यहाँ पे, क्योंकि रात को यहाँ पे बारिश भी हो सकती है। तो जब बारिश होगी तो ये लोग नीचे उतरेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे ईटा रख दिया क्योंकि ये हटे नहीं। उसे भी दिखा देता हूँ जुगाड़ जो जो हम लोगों ने किया है। 2 इधर हो गए और 1 यहाँ पे हो गया और 1 वो हो गया कुर्सी, 4 कुर्सी और ऐसे जो गाड़ लगाया हम लोगों ने। और सोने के लिए एक पूरा जो कंबल नीचे होने वाला नहीं होता बिछावन पे, वो उठा के लिए आया, लगा दिया यहाँ पे। गुड नॉट कोल्ड नॉट हॉट जार का डोंट नीड एनी ब्लैंकेट करो। तो भाई जुगाड़ में अभी देखो यहाँ पे चार्जर भी ला दिया गया, पावर बैंक भी ला दिया गया, आई मीन चार्जर, ये मेरा बड़ा वाला चार्जर है, इससे आईफोन वगैरह सब कुछ चार्ज हो रहा है। और यहाँ पे लैपटॉप भी, अब वो भी देखा जाएगा यहाँ पे। तो भाई मतलब तुम सब मस्त सेटअप कर दिया है छत पे आज। अभी सब कुछ अंधेरा है, ये अमरुद का मेरा पेड़ है, आपको मैं सुबह दिखाऊँगा मस्त वीडियो है। और ये नास्तिया सॉरी है लाइट के साथ दिखा के। और यहाँ पे चलेगा मूवी, अभी मूवी नाइट, अभी मूवी देखा जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात को किसी तरह हम लोग सो गए थे, लेकिन आज सुबह सुबह उठते ही, आज नॉर्मल डे नहीं, आज रक्षाबंधन का डे है। तो बेसिकली यहाँ पे रक्षाबंधन, ये वीडियो आई थिंक मैं 10 दिनों के बाद ही डाल रहा हूँ क्योंकि टाइम तो लग जाएगा वीडियो वगैरह बनाने में। रक्षाबंधन का टाइम बिहार में इस इलाके में रक्षाबंधन का टाइम एक्चुअली 12 अगस्त को था। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडिया में उन्होंने 11 अगस्त को मनाया है, बट यहाँ पे लोग 12 अगस्त को मना रहे थे, तो मैं भी 12 अगस्त को ही मना रहा हूँ। और हम लोग को अभी
पैक कर रहे हैं, दो पैक कर रहे हैं, ये देखो पैक किया जा रहा है और ये पैक किया जा रहा है। इसके अंदर मैंने पैसा डाल रखा है 1,00,000 रुपये। मैंने कहा क्या गिफ्ट दूँ, मैंने कहा अपनी बहन को कुछ पैसे ही देता हूँ डायरेक्टली, वो जो खरीदा वो खरीद लेगी। और ये गिफ्ट पैक किया जा रहा है, दो है, एक में बिना बिना कुछ है, एक में इसके साथ पैसे डाल के इधर को पैक करने की कोशिश कर रही है। देखो कितना सफल हो पाता है हमारा ये मिशन। और इसके अंदर हम लोग पैक करेंगे और उसके गिफ्ट देंगे। बाकी रक्षाबंधन की वीडियो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता था जो मम्मी बोल रही थी और मेरे को बहुत बुरा लगा जब मम्मी को बुरा लग रहा है, वो बात मैं थोड़ा आपसे बात करता हूँ और उस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। उस बात ये इम्पोर्टेंट बात है भाई, आप प्लीज़ ये वीडियो बात इम्पोर्टेंट सुनना, जो भी मेरे घर वगैरह आना चाहता है प्लीज़ इस बात को सुनना प्लीज़। तो भाई मम्मी का एक कंप्लेन था जो कि मैं आपसे बात करना चाहता था। तो दोस्तों ताकि आपको मैं बताऊँ जो मुझे बुरा लगा जान के, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो घर पर आते हैं, लाइक प्लीज़ मम्मी क्या बोलेगी जो घर पर लोग आता है। अच्छा, तो मतलब ये चाहती है कि तुम घर पे नहीं, लोग नहीं आए? नहीं, घर पे ही वो लोग आए, जब सुबह आवे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जब मैं घर पे आ रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट दे देता हूँ कि घर पे आऊँ। अभी जैसे घर पे होता था, मैंने आज पोस्ट डाला था राखी का। तो भाई लाइक प्लीज़ यार, मतलब घर पे अगर आ रहे हो तो मतलब घर पे मम्मी और पापा परेशान हो रखी हैं, तो प्लीज़ यार नहीं आओ यार घर पे। मतलब भाई जब मैं रहूँ तो ठीक है, कम मिलने के लिए आप आ जाया करो, बट प्लीज़ अगर जब मैं नहीं रहता हूँ घर पे, नहीं रहता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम, नहीं रहता हूँ, जब मैं रहूँगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगा यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए कि मैं घर पे हूँ। बट अगर मैं इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूँ तो प्लीज़ घर पे नहीं आया करो, मम्मी पापा परेशान हो जाती है। एंड लाइक टू बी ऑनेस्ट, लाइक यहाँ पे आते हैं, आप वीडियोज़ बनाते हैं, घर की वीडियोज़ बनाते हैं, अगर सच की बात दे मम्मी लोग परेशान हो जाती है। अगेन इन शॉर्ट बोलना चाह रहा हूँ, जब मैं घर पे रहूँगा तो मैं इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी ये वीडियो जब मैं डाल रहा हूँ आई थिंक 10-15 दिन पहले मैं घर पे हूँ, क्योंकि मैं जनरली वीडियो ऑन टाइम पे नहीं आती है। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे चेक करें जब मैं घर पे आता हूँ। पोस्ट मैं इंस्टाग्राम पे मोस्टली जब लाइव लोकेशन डालता हूँ, यूट्यूब पे थोड़ा लेट रहता है क्योंकि यूट्यूब को लाइक इंटरनेट चाहिए, अच्छा खासा इंटरनेट, उसके बाद अपलोड थंबनेल वगैरह वगैरह, तो मतलब टाइम कभी कभी इसलिए 10-15 दिन हमेशा लेट रहता है यूट्यूब की वीडियो। और टाइम लेके मैं वीडियो डालना ही पसंद करता हूँ कि एक बार अच्छा सब कुछ सही हो जाए। लेकिन अगेन मम्मी परेशान है, पापा परेशान हो जाते हैं क्योंकि आप लोग आते हो तो ठीक है बात, बट लाइक उनको भाई आप मुझसे मिलना चाहते हो ना भाई, तो जब मैं रहूँगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, आप आके मुझसे मिल लेना प्लीज़। आज तक मैंने किसी को फोटो वीडियो बनाकर मेरे साथ मना नहीं किया, बट लाइक घर पर आके भाई ये अच्छी बात नहीं है, प्लीज़ लाइक प्लीज़ मत आना आप। लाइक मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, आप चर्च करोगे कि नोमैड शुभम यू नो फैमिली होम ब्ला ब्ला ब्ला, तो बहुत सारे लोग आएंगे, वीडियोस बना के जाएंगे, इंटरव्यू लेके जाएंगे। एक इंटरव्यू बार बार हो चुका है, मैंने खुद बात कर लिया मम्मी से कि ट्रैवल जर्नी के बारे में एक बार और बात कर लेंगे अच्छी तरह से, अपने ट्रैवल जर्नी के बारे में आप वहाँ से जान सकते हो। बट अगेन लाइक बार बार आप जब घर आते हो ये अच्छा नहीं होता भाई, प्लीज़ समझो मेरी मजबूरी को भी समझो, मम्मी की मजबूरी को समझो। कुछ बोला जाएगी मम्मी? बस यही बोले हो, क्या बोले? मेरा टाइम बर्बाद हो जाता है, खाना नाश्ता प्यारी लोगों को तो पानी का जाने ही नहीं देगा। बात सही है, मैंने भी एकदम थोड़ी तो क्यों बोल रही है।